नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा शिव शक्ति भवन नारायणगढ़ नजदीक अग्रवाल धर्मशाला नारायणगढ़ में जन्माष्टमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन तरुण बहन ने किया। इस अवसर पर बहन सुमन कालड़ा ने सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के रहस्य समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में लोक में बहुत सी कथाएं प्रचलित है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी का जन्म भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि काली अंधियारी रात में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसी और भी कथाएं लोक में प्रचलित हैं। उन्होंने कहा कि हम त्यौहार को कैसे मनाएं, इसे मनाने का असली उद्देश्य क्या है। कहा जाता है कि पापियों का नाश करने और जगत का उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण जी इस लोक में अवतरित हुए। जब इस संसार में पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ता है तब तब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं और हमें सच्चा राजयोग का ज्ञान देकर इस धरा को स्वर्ग बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हम सबका उद्धार करने भगवान इस धरा पर आ चुके हैं। कार्यक्रम के अंत में शाखा इंचार्ज राजयोगिनी बहन हरदीप ने सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमें अपने अंदर से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान को धारण कर देवी गुण धारण करने चाहिए ताकि ये धरा फिर से स्वर्ग बने और हर नारी जैसे राधा और हर नर जैसे कृष्ण बने। आसुरी षष्ठी का विनाश हो और देवी षष्ठी और स्वर्णिम दुनिया की स्थापना हो और भारत फिर से विश्व गुरु बने। कार्यक्रम में बाल बालिकाओं ने डांस एवं गीतों की प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी को प्रसाद का वितरण किया गया। नारायणगढ़ से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।